इमरान खान कहते हैं कि यू टर्न लेने वाला ही बड़ा लीडर होता है, पर सवाल यह है कि उनकी किस बात पर भरोसा किया जाए, क्योंकि वे कल अपने किसी भी वादे पर यू टर्न मार सकते हैं। कल तक भारत से व्यापार बंद करने का दावा करने वाले अब यू टर्न ले रहे हैं। देश में अनाज की किल्लत होने लगी है, जीवन रक्षक दवाओं की कमी से मरीज बदहाल हैं। इसके लिए फिर यू टर्न का सहारा लिया जा रहा है। कश्मीर पर यू टर्न पहले ही ले चुके हैं। आईसीजे पर खबर कुरेशी के माध्यम से यू टर्न ले लिया गया है। बड़ी बात यह है कि परमाणु का पहले इस्तेमाल करने से भी यू टर्न लिया गया है। सवाल है कि जनाब की किस बात पर भरोसा करें? भरोसा करें भी तो किस पर? पाकिस्तान की सेना पर या इमरान खान पर? यानी अभी तो पाकिस्तान के बारे में दुनिया को यही नहीं पता है कि इस मुल्क को चला कौन रहा है। इमरान कुछ कहते हैं, सेना कुछ और बयान दिला देती है। मतलब यह देश द्विधा में है। एक साल के भीतर 10% की महंगाई और 7600 अरब के कर्ज ने इसे पागल कर दिया है। बेरोजगारी 50% से ऊपर पहुंची है। तो टैक्सों में अरबों रुपए का शॉर्ट टर्म है, यानी यह इस यू टर्न मास्टर की तब्दीली है, जिसे ये जनाब कहते हैं नया पाकिस्तान। सरकार में आने से पहले इसी वजीर आजम ने कहा था कि वह दो नहीं एक पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन यह बकलोल पीएम ना पुलिस रिफॉर्म कर पाया, ना एजुकेशन रिफॉर्म कर पाया, ना महंगाई पर कंट्रोल कर सका, ना 50 लाख घर का वादा पूरा कर पाया। खास बात यह है कि अपने कार्यकाल के एक साल के अवसर पर गिफ्ट के रूप में भारत को कश्मीर भी दे दिया। अब सवाल उठ रहे हैं, यह पाकिस्तान का कैसा वजीर आजम है? क्या इमरान खान इसी तब्दीली के नाम पर पाकिस्तान का वजीर आजम बना था? कमाल की बात यह है कि इमरान खान कहता था कि जो गलत है उसे वह ठीक कर देंगे। क्या कश्मीर के संदर्भ में भी उनके यही विचार थे? मतलब इस जनाब ने पाकिस्तान को कहा था जो गलत हो रहा है उसे ठीक करके ही दम लेंगे। मीडिया शोर मचाए तो FIR हो रही है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। आज भारत पाकिस्तान के इस निकम में वजीर आजम की अनाड़ी कूटनीति का फायदा उठा रहा है। पाकिस्तानी तो अब यही कहने लगे कि इमरान खान के राजनीति के अल्प ज्ञान का नरेंद्र मोदी ने भरपूर लाभ लिया है। नरेंद्र मोदी इस जनाब की सरकार बनते ही जान गए थे कि इमरान खान राजनीति के मामले में कच्चा खिलाड़ी है, वह नवाज शरीफ की तरह विदेश नीति के ज्ञान के मामले में बच्चा है। इसीलिए इनके फैसलों से जैसे जैसे पाकिस्तान घरेलू मुसीबतों में घिरना शुरू हुआ, मोदी ने अपना दांव चल दिया। पर सवाल यह है कि इमरान खान से नरेंद्र मोदी ने अभी और क्या उम्मीदें लगा रखी है? उन्हें पता है कि इमरान खान यू टर्न को अपनी नेतागिरी की काबिलियत मानते हैं। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि इमरान खान POK को भारत को सौंपने का मन बना चुके हैं। अभी से POK में नवाज शरीफ की पार्टी PML नवाज के प्रति हुन्नस माना जाए या फिर उनकी तब्दीली लाने के दावे। लेकिन पाकिस्तान को दो के बजाय एक पाकिस्तान बनाने की उनकी बात में दम नजर आता है। क्या इमरान खान का दो पाकिस्तान का इशारा कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर ही था? लोगों ने तो यही समझा था कि इमरान खान पूरा कश्मीर पाकिस्तान में मिलाकर एक पाकिस्तान बना देंगे। चुनाव से पहले तो इन्होंने कुछ ऐसे ही वादे दावे किए थे, पर या तो कुछ और ही हो रहा है। जो था वो तो गया ही, जो इनके पास था उसके जाने का भी खतरा मंडरा रहा है। यानी यू टर्न वाला ये वजीर आजम पाकिस्तान की समस्याओं को जड़ से ही खत्म करता जा रहा है। जिस कश्मीर के लिए पाकिस्तानी जनता पुराने तयमंद पहनकर सूखी रोटी खाती रही, वह कश्मीर समस्या यू टर्न मास्टर ने खत्म कर डाली है। मतलब 72 साल का रोना आज खत्म हो चुका है, और हर जुमे के रोज चौराहे पर खड़े करके गधैया नर्तक करने का जश्न भी मनवा दिया गया है। सवाल यह है कि पाकिस्तानी जनता किस बात पर यू टर्न के बड़े लीडर पर फकर करे? इस नेता ने ऐसा कौन सा काम किया जिस पर इसके नाम पर तहमत लहराए जाए? उल्टे पाकिस्तानियों को भिखारी बनाकर लाइन में खड़ा कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान का डरा हुआ मीडिया इमरान खान का गुणगान कर रहा है। लोगों ने उम्मीद लगाई थी गरीबी दूर होगी, खुले में रहने वालों को घर मिलेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, दुनिया में पाकिस्तान का रुतबा और बढ़ेगा, पर यहां तो बिल्कुल उल्टी तब्दीली आई है। भ्रष्टाचार के नाम पर जिन नेताओं को जेल में डाला गया, सरकार उनमें से अब तक एक भी केस में सबूत नहीं जुटा पाई है। यानी पाकिस्तान का लोकतंत्र जेल में है और तब्दीले खान खेल में है। मतलब साफ है, पाकिस्तान अब टूटने के कागार पर है।
इसका श्रेय भी निसंदेह इमरान खान अपने नाम करके जाएंगे। पीओके का भारत में विलय होगा या पाकिस्तान चार टुकड़ों में बटेगा, इसकी आधारशिला तैयार हो चुकी है। वैसे भी इमरान खान ने कहा था कि वह साउथ पंजाब को नया सूबा बनाएंगे, वह तो ऐसा नहीं कर सका, पर चार सूबे चार देश जरूर बनने की ओर बढ़ रहे हैं। हालात गहरे युद्ध का इशारा कर रहे हैं। अक्टूबर के महीने में फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद को घेरने का ऐलान करके इसके संकेत भी दे दिए हैं। पर पाकिस्तान की इससे बड़ी चिंता यह है कि नरेंद्र मोदी इससे भी कोई बड़ा फायदा ना उठा ले जाए, क्योंकि इस वक्त मोदी खोप पाकिस्तान के सिर चढ़कर बोल रहा है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।